गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आप लोगों को इस लेक्चर में ट्रायल बैलेंस चैप्टर का वो प्रॉब्लम बताने का कोशिश करूंगा जिसमें तो ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है, ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बना दिया है लेकिन बनाने वाला कोई एक्सपर्ट अकाउंटेंट नहीं था। ट्रायल बैलेंस को वो रॉन्ग बनाया है। रॉन्ग कहने का मतलब बहुत सारा ऐसा आइटम है ट्रायल में जो डेबिट बैलेंस होना चाहिए लेकिन बाई मिस्टेक वो उसको क्रेडिट में डाल दिया है। कुछ ऐसे भी आइटम्स हैं जो क्रेडिट बैलेंस होने चाहिए उसको वो बाई मिस्टेक डेबिट में डाल दिया है, और हो सकता है वो अपना ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए सस्पेंस अकाउंट का नाम भी डाल दिया है। तो ऐसे करके जो ट्रायल बैलेंस बनाया गया है वो इन एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट या बोल सकते हैं ऐसा अकाउंटेंट जिसको ट्रायल बैलेंस का पूरा नॉलेज नहीं है वो इनकरेक्ट बना दिया। तो हमको करना क्या है, अब उस ट्रायल बैलेंस को रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करने का कोई खास स्पेशल रूल्स रेगुलेशन नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस का जो वो नाम और अमाउंट दिया है उसको आइटम और अमाउंट समझेंगे। वो डेबिट में लिखा है, क्रेडिट में लिखा है, ये उसका प्रॉब्लम है। हम लोग अपने असेसमेंट करेंगे कि ये डेबिट में जाना चाहिए कि क्रेडिट में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर एसेट्स है तो डेबिट, एक्सपेंस है तो डेबिट, लायबिलिटी और इनकम है तो क्रेडिट। तो ऐसे करके हम लोग अपने हिसाब से उसको डेबिट क्रेडिट में सॉर्ट आउट कर लेंगे और लास्ट में टोटल करेंगे, देखेंगे टोटल मैच कर गया तो इसका मीनिंग हुआ कि हम लोग ट्रायल बैलेंस करेक्टली बना दिए, उसका रॉन्ग ट्रायल को रेक्टिफाई कर दिए। आइए देखते हैं इसका सवाल कैसा होता है। ठीक है, उसी टॉपिक का एक क्वेश्चन देखिए। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री ड्यू टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ बैलेंसेस। यू आर आस्क्ड टू रीअरेंज द बैलेंस एंड रीड्राफ्ट द ट्रायल बैलेंस बाई पुटिंग द डिफरेंस इफ एनी टू सस्पेंस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस वो रॉन्ग बनाया है, आप रीड्राफ्ट कीजिए ट्रायल बैलेंस को, सही सही बनाइए। अगर ट्रायल बैलेंस का आपका टोटल नहीं मैच कर रहा है तो डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में पुट कर दीजिए। ये ट्रायल का एक फॉर्मेट है, ये भी अलाउड होता है। एक साइड में डेबिट लिख दिया गया, एक साइड में क्रेडिट। डेबिट साइड में देखिए, ये क्लोजिंग स्टॉक लिखा, क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रायल के अंदर आता ही नहीं है। कैसिन एंड ठीक लिखा, ब्लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट ठीक लिखा, प्लांट एंड मशीनरी परचेज नॉट एडजस्टेड ईबी ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस इंश्योरेंस सही है, सैलरी वेजेस सही है, इनकम टैक्स सही है, लीगल एक्सपेंस सही है, बैड डेट सही है, परचेज लेजर बैलेंस ये क्रेडिट होता है, परचेज लेजर बैलेंस क्रेडिटर को बोलते हैं, बैड डेट रिकवर्ड इनकम है ये भी क्रेडिट होता है, बैड डेट रिकवर्ड इनकम क्रेडिट बैलेंस होगा, गुडविल सही है, बिल्स पेबल लायबिलिटी होता है ये भी क्रेडिट होगा। इस साइड में मिस्टेक हुआ, पहले तो क्लोजिंग स्टॉक कैंसिल कर देंगे। तीन ऐसा आइटम खोज पाए हैं जो क्रेडिट होता है उसको डेबिट से हटा के क्रेडिट की तरफ भेज देंगे। इधर क्रेडिट साइड में देखिए, सेल्स ठीक है, कैपिटल ठीक है, रिटर्न इनवर्ट गलत है, रिटर्न इनवर्ट सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, ओपनिंग स्टॉक भी डेबिट होता है, डिस्काउंट रिसीप्ट ठीक है, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस ये भी डेबिट होता है, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस ये भी डेबिट होता है, सेल्स लेजर बैलेंस मतलब डेटर होता है ये भी डेबिट होता है, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स डेबिट होता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम क्रेडिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट। इस साइड में ये छह मिस्टेक है, डेबिट का आइटम को वो क्रेडिट में पुट कर दिया है तो हम लोग उसको डेबिट में ले लेंगे। चलिए सोल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st December 2007, सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। दोनों तरफ रुपीज रुपीज दे दिए, डेबिट का रुपया डेबिट में, क्रेडिट का रुपया क्रेडिट में।
आइटम नंबर वन है कैसिन हैंड, आइटम नंबर कैसिन हैंड एसेट्स होता है, कैसिन हैंड एसेट्स, एसेट्स का मतलब डेबिट 3000, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स प्रॉपर्टी है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स होता है, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट होगा 30000। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में आता नहीं है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट एसेट डेबिट होगा 10000। प्लांट एंड मशीनरी भी एसेट्स प्रॉपर्टी होता है, डेबिट होगा, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स डेबिट होगा 16000। परचेज, परचेज हम लोग का एक्सपेंस होता है, और नॉट एडजस्टेड लिखा था, नॉट एडजस्टेड लिखने के कारण ही हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिए ट्रायल में, ये एक्सपेंस डेबिट होगा 25000। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स होता है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ये एसेट हो जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट हो गया, डेबिट बैलेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है तो एक्सपेंस है तो डेबिट में जाएगा 3000। इसके अलावा है सैलरी एंड वेजेज, सैलरी एंड वेजेज एक्सपेंस होता है, सैलरी एंड वेजेज एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होगा तो डेबिट में जाएगा 5000। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस होता है, ये भी डेबिट होगा, ड्राइंग की तरह होता है, इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस डेबिट होगा 1000। और अभी आइटम है क्वेश्चन में लीगल एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस नाम ही एक्सपेंस है तो लीगल एक्सपेंस एक्सपेंस है, डेबिट होगा 1000। परचेज लेजर बैलेंस, ये एक आप लोग के लिए नया नाम है, परचेज लेजर बैलेंस, इसको आपको याद करना होगा, परचेज लेजर बैलेंस का मतलब होता है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटी होगा, क्रेडिट में जाएगा 30000, वो बाय मिस्टेक डेबिट में दिया था। बैड डेट रिकवर्ड इनकम होता है, बैड डेट लॉस होता है बट बैड डेट रिकवर्ड इनकम होता है, इनकम का मतलब वो क्रेडिट में जाएगा, वो बाय मिस्टेक डेबिट में दिया था, हम उसको क्रेडिट में ले लिए। इसके बाद गुडविल, गुडविल हमारा एसेट्स है, गुडविल को हम लोग फिक्स्ड एसेट इनटेंजिबल बोलते हैं, एसेट्स है, डेबिट में जाएगा 12000। बिल्स पेएबल इज लायबिलिटी, बिल्स पेएबल लायबिलिटी होता है, बिल्स पेएबल लायबिलिटी होगा, क्रेडिट में जाएगा, वो बाय मिस्टेक डेबिट में दिया था, हम क्रेडिट में ले लिए 3000। इसके अलावा सेल्स, सेल्स तो हमारा इनकम है, इनकम क्रेडिट में जाता है, वो क्रेडिट में ही दिया है 70000। कैपिटल लायबिलिटी होता है, कैपिटल लायबिलिटी है तो क्रेडिट में जाएगा, और वो भी क्रेडिट में ही दिया है 30000। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न को बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड डेबिट में जाना चाहिए, अब वो बाय मिस्टेक क्रेडिट में दिया, हम उसको डेबिट में ले लिए 1000। ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता है, वो क्रेडिट में दिया है, वो मिस्टेक किया, हम लोग उसको डेबिट में ले लेंगे, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में ले लेंगे 5000। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है, वो क्रेडिट में ही दिया है, सही है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम हुआ, इनकम हुआ तो क्रेडिट में ही रहेगा, अब वो क्रेडिट ही दिया है 1000। कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस होता है, कैरेज आउटवर्ड अगर एक्सपेंस होता है तो कैरेज आउटवर्ड को डेबिट में आना चाहिए, वो बाय मिस्टेक क्रेडिट में दिया, हम उसको डेबिट में ले आए 1000। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस है तो डेबिट में होना चाहिए, वो बाय मिस्टेक क्रेडिट में दिया, हम उसको डेबिट में ले आए 1000। सेल्स लेजर बैलेंस डेटर को बोलते हैं, ये भी आप लोग के लिए नया नाम है, सेल्स लेजर बैलेंस डेटर को बोलते हैं, डेटर हमारा एसेट्स होता है, डेबिट होगा 40000। इंटरेस्ट ऑन बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है,
बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है तो डेबिट में आना चाहिए। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है डेबिट में लाएंगे, वो क्रेडिट में दिया था हम डेबिट में ले लिए 5000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम होता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम होता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर इनकम है तो इनकम है तो क्रेडिट में जाना चाहिए, क्रेडिट में ले लिए 1000। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट होता है, बताए थे कोई भी प्रोविजन कोई भी रिजर्व को क्रेडिट में लिखते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट होता है, क्रेडिट में दिया है 1000। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट होगा, अब वो भी क्रेडिट में दिया है 24000। अब इसको ऐड कर देते हैं, ऐड करके टोटल लिख देते हैं, टोटल अगर मैच कर गया तो सही है। अब इसको ऐड करके देखते हैं कितना हो रहा है, दोनों साइड टोटल हो गया 161000। ठीक है, इसका मतलब हम लोग करेक्ट बनाए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इस प्रॉब्लम में हम लोग से एक आइटम छूट गया, यहां पे हम लोग एक आइटम लिखना भूल गए, दैट आइटम इज बैड डेट। बैड डेट, बैड डेट हम लोग का डेबिट होगा, लॉस है 1000 क्योंकि हम लोग का टोटल मैच नहीं कर रहा था, यहां 161 क्रेडिट का टोटल था और डेबिट में 160 आ रहा था। प्रॉब्लम चेक करने से पता चला कि एक आइटम बैड डेट रिकॉर्ड होना मिस्टेक हो गया है, रिकॉर्ड होना रह गया, अब उसको रिकॉर्ड कर दिए। ठीक है, अब जाके ये मैच कर गया। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। ये देखिए आपके सामने एक वैसा ही सिमिलर प्रॉब्लम रख दिए, ए बिजनेसमैन रॉन्गली प्रिपेयर द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस करेक्टली। यहां देखिए ये डेबिट साइड रखा है, डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक डबल है, दोनों ठीक है, वेजेस सैलरी परचेस ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड गलत है, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट में जाएगा, डेटा ठीक है, बिल्स पेएबल गलत है क्रेडिट में जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड गलत है क्रेडिट में जाएगा, कैरेज इनवर्ड फ्यूल एक्रूड वेजेस गलत है, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस क्रेडिट में जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट ये मिस्टेक है गलत है यहां पे, ये क्रेडिट में जाएगा। तो इसका मतलब हो गया रिमेनिंग आइटम सही था, ये 5 आइटम क्रेडिट का था, डेबिट में था, डेबिट में लिख दिया था। अब चलते क्रेडिट की तरफ, कैपिटल ठीक, सैलरी सेल्स ठीक, ये रिटर्न इनवर्ड गलत है, ये डेबिट में आएगा, बिल्स रिसीवेबल गलत है, ये डेबिट में आएगा, क्रेडिटर ठीक है, डिस्काउंट अलाउड गलत है, ये एक्सपेंस डेबिट में आता है, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस डेबिट में आता है, फिक्स्ड एसेट्स डेबिट में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रायल में ही नहीं लिखेंगे। तो ऐसे करके कुछ आइटम डेबिट में मिस्टेक है, कुछ आइटम क्रेडिट में मिस्टेक है, साइड बदल के टोटल करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये आपके सामने एक फॉर्मेट रख दिए, ट्रायल बैलेंस बनाना है, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस लिख दिए, सीरियल नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स, और सीरियल नंबर 2 ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये दोनों ओपनिंग स्टॉक है, दोनों डेबिट होता है और डेबिट में ही दिया है, अमाउंट है 1,50,000। अगला आइटम है वेजेज सैलरीज, वेजेज एक्सपेंस होता है डेबिट बैलेंस, सैलरीज भी एक्सपेंस होता है डेबिट बैलेंस, डेबिट ही दिया है 3,00,000 रुपीज एंड 2,00,000 रुपीज। परचेजेज एक्सपेंस होता है डेबिट बैलेंस, डेबिट में ही है 8,00,000। अगला आइटम रॉन्ग दिया है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब होता है परचेज रिटर्न और ये क्रेडिट होना चाहिए, बाय मिस्टेक डेबिट में दिया, इसको क्रेडिट में ले जाएंगे 10,000। डेटर्स, डेटर एसेट्स होता है, डेटर्स डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में दिया है 2,00,000 रुपया। बिल्स पेएबल लायबिलिटी होता है, अब बिल्स पेएबल अगर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी मतलब क्रेडिट में जाएगा, वो बाय मिस्टेक डेबिट में दिया, उसको क्रेडिट में ले लेंगे 80,000। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होता है, आ इनकम है तो उसको क्रेडिट में लिखना चाहिए, वो बाय मिस्टेक डेबिट में दिया, उसको क्रेडिट में ले जाएंगे 60,000। कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस होता है, अब कैरेज इनवर्ड अगर एक्सपेंस है तो डेबिट में आएगा, अब वो भी डेबिट में दिया है, मिस्टेक नहीं है, 30,000। फ्यूल एक्सपेंस होता है डेबिट बैलेंस, वो भी डेबिट में दिया है 15,000।
और भी अभी आइटम है, एक्रूड वेजेज। एक्रूड वेजेज मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेज, और आउटस्टैंडिंग वेजेज लायबिलिटी होता है, क्रेडिट में जाना चाहिए, वो बाय मिस्टेक डेबिट में दिया, हम क्रेडिट में ले लिए। कैश इन हैंड आवर एसेट्स, एसेट्स है तो वो डेबिट में होगा, एसेट्स लिख दिए, कैश इन हैंड डेबिट में दिया है, हम लोग डेबिट में ही लिख लिए 20,000। बैंक ओवरड्राफ्ट इज लायबिलिटी, क्योंकि सिर्फ बैंक रहता तो एसेट्स, यहां बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी क्रेडिट होगा, वो बाय मिस्टेक डेबिट में दिया, हम क्रेडिट में डाल दिए। कैपिटल क्रेडिट होता है, लायबिलिटी होता है, वो क्रेडिट ही दिया है, कैपिटल क्रेडिट में दे दिए 3,00,000। सेल्स, सेल्स इनकम होता है, सेल्स इनकम है तो क्रेडिट है, वो क्रेडिट ही दिया है 13,00,000। अगला नाम है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड का मतलब हुआ सेल्स रिटर्न, इसको डेबिट होना चाहिए, वो मिस्टेक से क्रेडिट में दिया, हम डेबिट में ले लिए 50,000। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स होता है, बिल्स रिसीवेबल अगर एसेट्स है तो एसेट्स का मतलब उसको डेबिट होना चाहिए, अब वो बाय मिस्टेक क्रेडिट में दिया, हम डेबिट में ले लिए 1,20,000। क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, क्रेडिटर लायबिलिटी होगा, सप्लायर को बोलते हैं क्रेडिटर, क्रेडिट होता है, क्रेडिट में ही लिखना है, वो भी क्रेडिट में दिया है 50,000। डिस्काउंट अलाउड, चूंकि नाम है उसका डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डेबिट होता है, वो बाय मिस्टेक क्रेडिट में दिया है, डेबिट में ले आए। कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस होता है, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस होता है, डेबिट में रखेंगे, वो बाय मिस्टेक क्रेडिट में रखा है, हम लोग उसको डेबिट में ले लिए 5,000। और दो तीन नाम है, फिक्स्ड एसेट्स, नाम ही दिया है फिक्स्ड एसेट्स, अब फिक्स्ड एसेट्स एसेट्स है तो डेबिट में आना चाहिए, वो बाय मिस्टेक क्रेडिट में दिया है 1,50,000। इसके बाद और दो आइटम है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर आता नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ दिए, इग्नोर कर दिए। अब इसके बाद इसका टोटल करेंगे, अगर टोटल मैच कर गया तो इसका मतलब हम लोग ट्रायल बैलेंस को ठीक ठीक बनाए हैं, लेकिन टोटल इसका मैच नहीं करेगा, देखते हैं इसके टोटल पे क्या होता है। इसका डेबिट साइड का टोटल बेसी हो रहा है 21,70,000, क्रेडिट में 21,70 लिखने के बाद क्रेडिट में कुछ कमी आ गया, वो हो गया कमी है 3,10,000, 3,10,000। अब चूंकि हम लोग ट्रायल सही सही बनाए हैं, फिर भी ट्रायल को मैच कराना पड़ता है, तो उसको सस्पेंस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं, ठीक है। आने वाले बैलेंस का नाम दे दिए सस्पेंस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 3,10,000। अगले लेक्चर में हम लोग सस्पेंस अकाउंट के बारे में इन डिटेल सीखेंगे, फिलहाल सस्पेंस अकाउंट देके टोटल को मैच करा दिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। सिमिलर टॉपिक का एक क्वेश्चन आपके सामने रख दिए, रीड्राफ्ट द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस गिविंग द रीजंस। कैपिटल क्रेडिट होता है, डेबिट में देके रॉन्ग किया है तो कैपिटल क्रेडिट की तरफ चला जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ठीक है, सेल्स गलत दिया है, क्रेडिट होता है, रिटर्न इनवर्ड ठीक दिया, वेजेस डिस्काउंट ठीक है, कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी ठीक है, डेटर कैश एंड बैंक ठीक है, ड्रॉइंग डेबिट की तरफ चला आएगा, परचेज डेबिट की तरफ चला आएगा, सैलरी इलेक्ट्रिक चार्ज डेबिट की तरफ चला आएगा, ये डिस्काउंट रिसीव ठीक मान लेते हैं, डेप्रिसिएशन डेबिट की तरफ आ जाएगा, ये रिजर्व प्रोविजन ठीक है, क्रेडिटर ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रायल में आएगा ही नहीं, और सस्पेंस अकाउंट अगर ट्रायल का टोटल मैच नहीं करेगा तब उसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे, हो सकता है उसका वैल्यू भी चेंज हो जाए। तो ऐसे करके यहां पे दो आइटम मिस्टेक दिया था, इधर 5 आइटम मिस्टेक दिया था, और क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है, तो चलिए इस ट्रायल को रीड्राफ्ट कर देते हैं, चलते हैं इसका सॉल्यूशन की तरफ। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स ईआईडी पेरी एंड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2018। पहला ही आइटम कैपिटल डेबिट साइड में देके गलती किया है, जबकि कैपिटल क्रेडिट साइड में जाएगा 1,50,000। ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता है, ठीक ही दिया है, डेबिट में दिया है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में 1,10,000। सेल्स, सेल्स गलत दिया है, क्रेडिट का आइटम है, वो डेबिट में दे दिया, सेल्स इनकम होता है, क्रेडिट में जाएगा 6,20,000।
रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न को बोलते हैं, डेबिट होता है, ठीक ही दिया है, डेबिट में दिया है, रिटर्न इनवर्ड डेबिट में रख देंगे 12,000। वेजेज, वेजेज एक्सपेंस होता है, डेबिट में डाल देंगे वेजेज 57,400। डिस्काउंट डेबिट की तरफ लिखा है तो उसको डिस्काउंट अलाउड मानेंगे, हम पूरा नाम लिख देते हैं डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट अलाउड डेबिट में आएगा 7,700। कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड दोनों एक्सपेंस होता है, डेबिट में आता है और वो डेबिट में ही दिया है, कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड। अमाउंट है 1200, 3000। इसके बाद नाम है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हम लोग का एसेट्स है, एसेट्स है तो डेबिट में आएगा, डेबिट में ही दिया है प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000। डेटर, डेटर एसेट्स होता है, डेबिट में आएगा, अब वो डेबिट में ही दिया है 80,000। अगला नाम कैश इन हैंड कैसेट बैंक, कैश इन हैंड एसेट्स डेबिट होगा और कैश एट बैंक एसेट्स डेबिट होगा और वो डेबिट में ही दिया है, अमाउंट है 7,000 और 1,28,000। ड्रॉइंग्स वो गलती से क्रेडिट में दे दिया है जबकि ड्रॉइंग्स डेबिट होता है, डेबिट में दे दिए 27,000। परचेज, परचेज भी एक्सपेंस है, डेबिट होता है, वो बाय मिस्टेक क्रेडिट में दिया है 3,50,000। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न होता है, वो क्रेडिट होता है और क्रेडिट की तरफ ही दिया हुआ है, क्रेडिट में लिख दिए 8,000। सैलरी एक्सपेंस होता है, सैलरी अगर एक्सपेंस है तो डेबिट में आना चाहिए, अब वो क्रेडिट की तरफ दिया उसको डेबिट में ले आए 82,000। अगला नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक्सपेंस है, सैलरी की तरह इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपेंस है, उसको भी डेबिट की तरफ ले आए 11,200। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्रेडिट की तरफ दिया है उसका नाम दे देते हैं डिस्काउंट रिसिप्ट, और डिस्काउंट रिसिप्ट लिख दिए तो इनकम हो गया, और क्रेडिट की तरफ दिया है क्रेडिट में ही रह जाएगा 3,000। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमारा एसेट्स का दाम कम हो जाए तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, इट इज लॉस एक्सपेंस, डेबिट में लाएंगे 7,500। डेप्रिसिएशन रिजर्व, कोई भी रिजर्व कोई भी प्रोविजन लायबिलिटी होता है क्रेडिट की तरफ जाता है, क्रेडिट में ही दिया है, डेप्रिसिएशन रिजर्व क्रेडिट में दे देंगे 45,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बोले थे कोई भी प्रोविजन कोई भी रिजर्व क्रेडिट होता है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्रेडिट में डाल देंगे, और क्रेडिट में दिए, क्रेडिट में ही दिया हुआ है 10,000। क्रेडिटर, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, क्रेडिटर अगर लायबिलिटी है तो क्रेडिट में ही जाएगा, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है क्रेडिट में ही दिया है 198,000। क्लोजिंग स्टॉक तो लेंगे नहीं क्योंकि अनएडजस्टेड है, सस्पेंस अकाउंट को लिखेंगे नहीं, अगर हमारा टोटल मैच नहीं करेगा तो हम सस्पेंस अकाउंट को लिख लेंगे, सस्पेंस अकाउंट लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हमारा टोटल आ रहा है 10,34,000 और डेबिट का भी टोटल आ गया 10,34,000, तो इसलिए सस्पेंस अकाउंट का जरूरत नहीं पड़ा, ऐसे करके सवाल को सोल्व कर दिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो भी इस लेक्चर में सवाल बनाए, ट्रायल बैलेंस रॉन्ग बनाया हुआ था, कुछ डेबिट का आइटम क्रेडिट में दिया था, क्रेडिट का आइटम डेबिट में दिया था, अपने साइड बदल के उसको ठीक कर दिए, टोटल मैच कर गया। हाँ, अगर किसी ट्रायल बैलेंस को हम लोग करेक्टली बना दे और टोटल अगर मैच नहीं करता है तो उसके डिफरेंस को सस्पेंस में डाल देते हैं, ठीक है, समझ में आया, ओके, थैंक यू।